हेलो एवरीवन, वेलकम टू greatupstudy.com। तो आज हम मिशन सिलेक्शन को कंटिन्यू करते हुए जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख स्थानों के भूगोलिक नाम। ठीक है, विश्व के प्रमुख स्थानों के भूगोलिक नाम। देखो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप से बनेंगे। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस देश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, क्यूबा को। किस देश को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तुर्की को। किस देश को यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है, तो बेल्जियम। ठीक है, किस देश को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, तो जिब्राल्टर। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनेंगे, तो इसीलिए आपको ये सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे और याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है काला महादेश, तो अफ्रीका। आपको पता है अफ्रीका के जो लोग हैं उनका कलर ब्लैक होता है ना, ब्लैकिश लोग होते हैं वो, तो इसलिए अफ्रीका को काला महादेश भी कहा जाता है। ठीक है, हाथियों का देश, लाओस में काफ़ी सारे हाथी पाए जाते हैं, तो हाथियों का देश लाओस। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सफ़ेद हाथियों का देश, तब वहाँ पे जो आंसर है वो अलग हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, थाईलैंड। हाथियों का देश लाओस और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नील नदी की देन मिस्र। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है चीनी का कटोरा। तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। कंगारुओं का देश, तो आपको पता है कंगारू किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको तो पता ही होगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूरोप का कारखाना, तो बेल्जियम को यूरोप का कारखाना भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इंग्लैंड का उद्यान, तो कैंट काउंटी। तो कैंट काउंटी को इंग्लैंड का उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का मोती सिंगापुर। झीलों का देश फिनलैंड। फिनलैंड में आपको इतनी झीलें मिलेंगी, इसीलिए इसको झीलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि फिनलैंड में आपको बड़ी सारी झीलें मिलेंगी। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि झीलों का देश फिनलैंड। मध्य रात्रि का सूरज नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा स्थान है जहां पे आपको रात्रि में भी सूर्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया है मध्य रात्रि का सूरज। देखो जो भी इनके नाम पड़े हैं वो वहां के भूगोलिक स्थितियों को देखकर उनके नाम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे लिखा गया है मध्य रात्रि का सूरज, तो नॉर्वे। तो यहां की भूगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां पे आपको मध्य रात्रि में सूर्य देखने को मिलेगा, तो इसलिए मध्य रात्रि का सूरज नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूरोप, तो यूरोप का इसको बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट है सांपो का देश, तो ब्राजील। ब्राजील में आपको काफी सारे सांप देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नहरों का नगर, तो वेनिस। वेनिस एक ऐसा नगर है जो कि नहरों के बीच बसा हुआ है। नेक्स्ट है सदाबहार सागर, तो क्वीटो। तो क्वीटो को सदाबहार सागर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भूमध्य सागर की कुंजी, तो जिब्राल्टर। नेक्स्ट है संसार की रोटी का भंडार, तो उत्तरी अमेरिका का प्रेरिज मैदान। नेक्स्ट है पगोड़ा का देश, तो वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूरोप का मरीज, तो तुर्की। उसके बाद है सूर्योदय का देश, जापान। जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, जब भी सुबह होगी सबसे पहले सूरज आपको जापान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पवित्र भूमि यरूशलम। ये जो यरूशलम है ये इसराइल की राजधानी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तो यरूशलम आपका इसराइल में पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एम्पायर सिटी, तो न्यूयॉर्क। चीन का शोक हवांगो नदी। मैंने आपको इसलिए पिछली वीडियो में बताया था कि चीन का शोक किसको बोला जाता है, हवांगो नदी को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। नेक्स्ट है हवा महल का शहर शिकागो। नेक्स्ट है सात पर्वतों का नगर रोम। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। ठीक है, आपको पता है न्यूजीलैंड कहाँ पे है, न्यूजीलैंड आपका यहाँ पे है, तो दक्षिण साइड में है ना, तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है बिजली की गड़गड़ाहट का देश भूटान। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है दुनिया की छत पामिर का पठार, ये आपको याद रखना है। पिरामिड का देश मिस्र, और मिस्र से एक और क्वेश्चन था नील नदी की देन मिस्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सफ़ेद हाथियों का देश। मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन आएगा कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड। अगर हाथियों का देश कहा जाए तो लाओस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटरनल सिटी, तो इंटरनल सिटी हम बोलते हैं रोम को। ठीक है, नेक्स्ट है विचित्र महादेश, तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फैशन की नगरी पेरिस। नेक्स्ट है सोने और हीरो का देश दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक सोने और हीरे निकलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सोने और हीरो का देश कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुँच पाए।
हमारे हर एक वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक है t.me/gradeupstudy, और इन सभी का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने के लिए facebook.com/gradeupstudy पे जाइए, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम MCQ टाइप क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे आ जाइए, जिसका लिंक है instagram.com/gradeupstudy.official। तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और PDF के लिए टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।